नवीन महवा मंडी समिति के तत्वावधान में 23 अक्टूबर शुक्रवार को मंडी परिसर में जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि 23 अक्टूबर को मंडी समिति के परिसर में सुबह 10 बजे जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग प्रदर्शनी में पहुंचकर जैविक उत्पादों की खरीदारी का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पाद सेहत के लिए लाभदायक होता है और पूरी तरह शुद्ध होता है। प्रदर्शनी में जैविक उत्पादों के द्वारा पैदावार किए गए चावल, शहद और तरह तरह के मसाले और अन्य उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यह प्रदर्शनी शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश के मंडियों में हर महीने में 23 तारीख को लगाया जाता है, जिससे जैविक उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए शासन विभाग से प्राप्त निर्देशों क्रम में हर महीने की 23 तारीख को मंडी में जैविक जो उत्पाद होते हैं उनकी प्रदर्शनी लग रही है और वहाँ पे एक से एक अच्छे उत्पाद हैं जो कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग संस्थाओं से टाई अप करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इस प्रदर्शनी में प्रतिभाग करें। और जनता से भी मेरी ये अपील रहेगी कि जैविक उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करें, अपनी दिनचर्या में उनको भी आप शामिल करें और वो बहुत बेहतर होते हैं। हमारे पास जैविक तौर पे उत्पन्न किए गए चावल हैं, इसके अलावा शहद भी हमारे पास है और अलग अलग मसाले और भी कई हमारे पास चीज़ें हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल सुबह 10 बजे से आके इस प्रदर्शनी में प्रतिभाग करें और जो भी उत्पाद हैं उनका उपभोग करें, उनको खरीदें और ये आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाने में ज़रूर अपना सहयोग करेंगे।